हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गुजिया, होममेड गुजिया। यह एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो होली के दिनों में हर घर में बनाई जाती है। कुछ लोग इसे सूजी से बनाते हैं, कुछ सूजी और मावे से बनाते हैं, कुछ सिर्फ मावे से बनाते हैं। मैं किस तरह बनाती हूँ, मैं सिर्फ मावे से ही बनाऊँगी और इसमें क्या क्या चीज़ लगे वो आज आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने बाजार का मावा नहीं लिया है, ये मैंने घर का मावा लिया है। 1 किलो दूध से मावा निकाला था मैंने, ये मेरा मावा है। ये नाप से ये वाला 2 कप मावा है ये। और इसमें मैंने 7-8 इलायची का कूट के रखी हुई हैं, ये बीज निकाल के। और ये काजू, बादाम और अखरोट की गिरी है जो काट के रखी हुई है मैंने। और इसमें लगेगी बूरा। अगर 2 कप ये है मावा तो मैं सिर्फ इसमें 1 कप बूरा डालूंगी, कि हम लोग मीठा कम पसंद करते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो 2 कप, अगर आपके पास मावा है तो 2 कप ही इसमें बूरा डालें। अब कैसे डालना है वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, मैंने बड़ा बॉल ले लिया है मैंने इसमें। अब इसमें मैं डालूँगी ये 2 कप होममेड मावा। इसी में डाल दूँगी मैं इलायची पाउडर और ये सारी मेवा मैं इसमें मिक्स करूँगी। और मैं डालूँगी इसमें बूरा, 1 कप बूरा मैं इसमें डालूंगी। बूरा डालने के बाद फ्रेंड्स, इसे मुझे हाथ से ही मिक्स करना है कि जो गांठें हैं वो सारी अच्छे से मिल जाएं। इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स करना है मुझे। उसके बाद हम अपनी मैदा करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। गुठलियाँ सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गुठलियाँ रह जाती हैं मावे में या बूरा के अंदर, तो ये जब घी में गुजिया पड़ेगी, जब आप सेकेंगे इसको, तलेंगे, तो वो फटती हैं, इससे गुजिया ख़राब हो जाती है। अब बिना चाशनी वाली गुजिया बनाऊँगी मैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो गया है फिलिंग गुजिया की। अब इतने फिलिंग के लिए मुझे कम से कम 250 ग्राम मैदा चाहिए, वो मैं अभी करती हूँ। और बहुत आसान तरीके से गुजिया बनाना बताऊँगी आपको, चाहे आप सांचे से बनाएं या चाहे आप हाथ से भी गुजिया बनाएं। हाथ से गुजिया कैसे बनाते हैं, कैसे किनारी कट करनी है, वो भी आपको दिखाऊँगी मैं। फ्रेंड्स, अब मैं मैदा करती हूँ गुजिया के लिए। तो ये 1 कप, और ये 1 कप मैदा मैंने और ली है। ये फ्रेंड्स 2 कप मैंने मैदा लिया है। और इसमें मैं डालूंगी ये देसी घी 2 चम्मच भर के। अब इसे मुझे गूंथना है, हल्का गुनगुना पानी लेंगे फ्रेंड्स इसमें हम। इसे हल्के हाथ से गूंथेंगे। इसे पहले हम सूखा भी मैदे में घी मिला सकते हैं, लेकिन ये गुनगुना पानी है तो इजीली मिक्स हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसे साथ में भी डाल सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें मैंने। सॉफ्ट सा आटा बनाना है, जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह हमें बनाना है गुजिया का आटा भी। ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, नहीं जब हम गुजिया बना के रखते हैं तो उसमें पपड़ी आने लगती है, सूखने लगती है, चटकती है गुजिया जब हम सिकाई करते हैं उसकी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है, बिल्कुल रोटी जैसा। फ्रेंड्स, इसमें मैंने 1 कप गुनगुना पानी लिया था, जिसमें से बहुत थोड़ा सा पानी, आधे से ज़्यादा पानी मेरा ये बचा हुआ है। आधा पानी भी नहीं लगा है इसमें, बस इतना ही पानी काफ़ी हो गई है मैदा ये। अब इसे मैं अच्छे से ठीक करूँगी, मैदा को चिकना करना है मुझे। अभी हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं इसको ढक के। 5 मिनट के बाद फिर हम इसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसकी अपनी मैदे से लोइयाँ बनाना शुरू करती हूँ और कढ़ाई भी लगा देती हूँ साथ ही।
ताकि साथ ही साथ बनाते रहूँ और साथ के साथ ही सेकते रहें, नहीं तो सारी गुजिया बनाने के बाद ही फिर सेक सकते हैं हम। इस तरह से इसे लंबा करेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, रोल मैंने कर लिया है और ये चिकना हो गया है। अब इसे मैंने एक बराबर लोई कट करनी, बड़ी छोटी जैसे आप चाहें गुजिया बनानी वैसे ही आप छोटी बड़ी बनाएं। ये मैं मीडियम बना रही हूँ, ना छोटी ज़्यादा ना बड़ी। इस तरह से सारी एक बराबर साइज़ में हम कट कर लूँगी। ये देखिए सारी कट कर लिए मैंने। अब इनको गोल नहीं करना है फ्रेंड्स, इनको इस तरह करना है बस। और इस तरह से अंगूठे से दबा देंगे, ये हाथ से ऐसे दबा के इसको रख देंगे। फ्रेंड्स देखिए सारी लोई मैंने बना ली हैं। देखिए दो कटोरी में जो मैंने मैदा की थी उसमें मेरी इतनी लोइयाँ बनी हैं ये। और ये मसाला भी मेरा तैयार है, ये जो मसाला मैंने तैयार करके रखा था फिलिंग इसके अंदर मावे की, ये मैं सिर्फ मावे से बना रही हूँ। इसे मैंने सूजी वगैरह कुछ मिक्स नहीं की हुई है। तो अब कैसे बनाना है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। और फ्रेंड्स होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार में हर घर में ये गुजिया बनती है। सबका बनाने का अपना तरीका अलग अलग है, लेकिन मैं जिस तरह से बना रही हूँ उस तरह से आप देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको गुजिया वाली जो मैं आप मैदा करेंगे, और इसको ज़्यादा पतला ना करें, बिल्कुल बारीक करेंगे, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल बना देंगे तो ये घी में फटेगी। ये देखिए इतना रखा है मैंने, ये बस मैं चार पांच गुजिया बनाने के लिए बेल लेती हूँ पूरियाँ, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। कुछ लोग फ्रेंड्स ये सांचे से बनाते हैं, जो मार्केट में प्लास्टिक के और स्टील के सांचे मिलते हैं, कुछ लोग उससे गुजिया बनाते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ बिना किसी सांचे के हाथ से ही बनाना बताऊंगी। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बनाना। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है, और इसमें मैंने ये मैदा घोल के रखी हुई है जिससे हम इसे लगाएंगे, और जिसकी वजह से कोई चम्मच वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई कॉटन बड वगैरह लेते हैं तो उससे उसके रेशे आ जाते हैं, कॉटन बड के लगेंगे इसमें, इससे नहीं करेंगे। उंगली से भी कर सकते हैं, इस तरह से लगा लीजिए, या तो नहीं तो आप उंगली से लगा सकते हैं, इसे हाथ पे लेके इस तरह से उंगली से लेके ऐसे सारे में लगा दें बस। और फिर इसको ये जो फिंगर होती है यहाँ से इसे हल्का सा पुश करें, थोड़ा सा और करें, इस तरह से ये कोन टाइप का बना लें। ये देखिए ये बन गया। अब इसमें हम भरेंगे मसाला, अच्छे से मसाला भरेंगे इसमें। और फिर इसको बंद करेंगे, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रखेंगे ताकि हमें कटिंग करनी है किनारों की, इसलिए हमें थोड़ा चौड़ा रखना पड़ेगा। बिल्कुल किनार तक अगर हम भर देंगे गुजिया जब फूलती है घी में डल के, अगर हम पूरा भरेंगे तो ये फट जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा ये अपने फिंगर के हिसाब से जितनी बारी के दबने में आ रहा है ये इतना चौड़ा चौड़ा आपको छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए ये हो गया। इसी तरह से मैं ये दो तीन और हैं बनाई हुई, मैंने चार पांच गुजिया ऐसे भी भर लेती हूँ। और ये पानी भी फ्रेंड ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का पानी लगाना है। अच्छे से दबा के भरें इसे, फिर से बंद कर लेंगे। इसी तरह भर लेती हूँ फ्रेंड सारी। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने भर ली हैं। दो कप जो मैंने मैदा ली थी उसमें मेरी इतनी ही 10-12 गुजिया बनी हुई हैं। अब ये सारी मैंने गुजिया बना ली है। अब इसके किनारे में हम कटिंग करेंगे, इसके किनारों की ये जो किनारे हैं इनकी हम कटिंग करेंगे, उसके बाद हम सेकेंगे। तब तक मैं अपनी कढ़ाई जला लेती हूँ। ऑयल डाल दिया है मैंने इसमें, रिफाइंड ऑयल। और अब मैं ये देखिए ये स्पून है, ये इस तरह से आती है कटिंग करने के लिए। ये देखिए मैं इससे कट करूँगी,
और जो लोग सांचे से बनाते हैं उसमें तो ये किनारे बने हुए होते हैं तो काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं इसमें इसे काट के बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ इस तरह रखा है इसको, किनार से बिल्कुल किनार से कट करेंगे, गुजिया के किनार से नहीं, यहाँ बिल्कुल बाहरी किनार से कट करेंगे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से। अब ये देखिए कट हो गया है, इसको जो है निकाल देंगे हम, ये वेस्ट जो है इसका इस तरह से डिज़ाइन बन गया। ये आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका एक ये है, अगर किसी के पास ये नहीं है कटिंग करने के लिए, तब आप क्या करेंगे, कोना पहले अंदर करेंगे, फिर इस तरह से जो भी कोना बनता रहेगा उसको अंदर करते रहेंगे, इस तरह से करके आप ये बना सकते हैं। ये देखिए बस ये किनार थोड़ी मोटी होती है गूंथने की वजह से, तो इसमें सिकने में टाइम लगता है, और ये वाली जो गुजिया बनाते हैं इसको हम इजीली गुजिया के साथ सिक जाती है, प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए कितनी अच्छी बन गई है, इसी तरह सब मैं कर लेती हूँ जब तक मेरी कढ़ाई गर्म होती है। फ्रेंड्स ये कटिंग करते समय गुजिया का ध्यान रखें, एक बार ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जब आप इसे कटिंग करेंगे तो गुजिया नहीं उठाएं, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट होता है ये, टूटने का डर रहता है गुजिया का, चटक ना जाए, इसलिए इसको रख के आप अपने हाथ को ही इस तरह से घुमाएं, इस तरह से। ये देखिए तब ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो स्पून है मेरे पास, इस तरह से स्पून होती है, इसी से हम भर लेते हैं, छोटी होती है गुजिया में आराम से भर जाते हैं, और ये इसमें चक्री सी जो बनी हुई है, चक्कर जैसा, इससे कटिंग बहुत अच्छी होती है जिग जैक, तो ये आपको किसी भी बर्तन वाले के यहाँ शॉप पे मिल जाएगी, जो बर्तन वगैरह बेचते हैं तो वहाँ आराम से मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये देखिए कढ़ाई भी मेरी गर्म हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स सारी मैंने कटिंग कर ली है, अब ये जो बेस बचा है इसका, इसको हम फिर एक लोई बना के और इसको बेलेंगे और इसकी भी गुजिया बना देंगे। हमारी हो गई देखिए कढ़ाई हमारी परफेक्ट है, अब इसमें हम गुजिया डाल के सेकेंगे, हल्की हल्की आंच में ही सेकेंगे, जितनी आपकी कढ़ाई में आ पाएँ आराम से उतनी ही गुजिया डालें, ज़्यादा गुजिया ना डालें, और इस तरह से हिलाते हुए इसको और फ्रेंड्स की गुजिया, जब ज़्यादा गुजिया अगर आपको ये बना के रखनी हो तो आप इस पर हल्का सा नम कपड़ा, हल्का सा बहुत मॉइस्चर वाला कपड़ा जो कोई भी ले, चुन्नी सूती कपड़ा या जो भी नैपकिन वगैरह, तो उसको हल्का सा नम कर लें, उसके बाद इसे ढक के रखें, क्योंकि अगर इसकी जो लेयर ऊपर की सूखने लग जाती है तो तब भी गुजिया हमारी घी में फटने लग जाती है। ये कई लोगों को शिकायत रहती है हमारी गुजिया घी में फट जाती है, तो या तो ज़्यादा पतली होगी मैदा और इसकी लेयर जो आपने बेली है पूरियाँ वो ज़्यादा पतली होंगी तब भी गुजिया फटेगी, इसलिए इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है गुजिया बनाते समय, इसकी लेयर भी ज़्यादा पतली ना हो, मैदा बिल्कुल परफेक्ट हो, आटे जैसा, जैसे रोटी वाला आटा बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा टाइट, क्योंकि टाइट आटा अगर होगा तब भी आपकी गुजिया सूख जाएगी। हल्की हल्की आँच में सेकेंगे इसे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ आँच में अगर गुजिया सेकेंगे तो एकदम अंदर से जो मावा है इसमें जो डला हुआ हमारा, वो मीठे की वजह से गीला होगा और जब वो पिघलेगा तब भी गुजिया फट जाती है तेज़ आँच में एकदम, इसलिए बहुत हल्की हल्की आँच में डालें और फिर मीडियम फ्लेम में इसे आप सेक सकते हैं, तेज़ नहीं कर सकते। जब गुजिया इस तरह से हो जाएगी एक बार पलट लें, उसके बाद गैस को थोड़ा सा तेज़ कर दें, यानी मीडियम फ्लेम पे कर लें, ताकि ये अंदर तक लेयर पूरी सिक जाए। देखिए दो गुजिया इसमें और आ जाएगी मेरी, डाल रही हूँ मैं इसमें, पलट देंगे
देखिए कितना अच्छा कलर आया गुजिया पे। इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकेंगे, जिसमें सुनहरा सुनहरा कलर आ जाए तब अच्छी लगती है। ज़्यादा वाइट गुजिया भी अच्छी नहीं लगती देखने में। और फ्रेंड्स, मावे की गुजिया जब हम सेकें तो कोशिश करें कि ज़्यादा बड़ी कढ़ाई ना हो और ज़्यादा तेल ना डालें, क्योंकि मावे की गुजिया जो प्योर मावे की बनाते हैं उसमें हमेशा ये डाउट लगा रहता है कि कहीं हमारी गुजिया फट तो नहीं जाएगी, इसीलिए ज़्यादा घी ना डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा घी होगा गुजिया फट गई तो आपका सारा घी ख़राब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा घी डालें और कम कम गुजिया डाल के चार चार पाँच पाँच गुजिया डाल के ही सेकें। अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है गुजिया का, ये देखिए। इसे निकाल के मैं प्लेट में रख लेती हूँ। ये भी गुजिया होने वाली है, ये देखिए ये भी हो चुकी है। देखिए चारों गुजिया मेरी सीख गई हैं। इसमें और डाल देती हूँ मैं गुजिया, पहले दो डालूँगी ताकि आपस में मिल के ही चिपके ना हो। इस तरह से करेंगे, जब ये फूल जाएंगे तब इनको पलट देंगे। ये देखिए आप चाहें तो इसमें और डाल सकते हैं इसी समय, दो गुजिया। फ्रेंड्स देखिए ये सेकंड बैच भी जो डाला था मैंने ये भी सीख चुका है, इसे भी निकाल रही हूँ मैं। और फ्रेंड्स अगर इन गुजिया को आपने चाशनी वाली गुजिया बनाना है तो आप इसमें मावे में सिर्फ मेवा डालें, मीठा ना डालें, क्योंकि अंदर से अगर आपने मीठा डाल दिया तो ऊपर से भी मीठा डालेंगे तो बहुत मीठी गुजिया हो जाती है। तो इसलिए से अंदर से मावा फीका ही रखें, अगर डालें तो बहुत हल्का डालें, तेज़ ना डालें। फ्रेंड्स सारी गुजिया सिक चुकी है मेरी और ये टेस्टी मावे की गुजिया तैयार है। फ्रेंड्स अगर आपको बनाने का तरीका पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।